तो इस वीडियो में हम अपने चैट जीपीटी में जो भी रिस्पांस एक बार प्राप्त हो जाए तब उस इनपुट मैसेज को रिमूव करने वाले हैं, अर्थात जो प्रीवियस चैट रिस्पांस है उसे ऑटोमेटिकली रिमूव करने वाले हैं। और इसके लिए हमें एक वेरिएबल ऐड करना होगा जिसे हम इनपुट मैसेज वेरिएबल के नाम से जानते हैं, और यही वेरिएबल टेक्स्ट इनपुट को कंटेन करता है। यहाँ पे आप लोगों को वो वेरिएबल दिख रहा होगा, इनपुट मैसेज वेरिएबल, यही वो वेरिएबल है जो इनपुट मैसेज को, यूजर द्वारा दिए गए इनपुट मैसेज को कंटेन करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लिखना होगा सेट और इस वेरिएबल को हम लोग वॉइड रखेंगे यानी खाली रखेंगे। ठीक है, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेंगे और सीधे आ जाएंगे हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन फिर हमें यहाँ पे आना होगा हैंडल टेक्स्ट इनपुट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करना होगा वैल्यू। ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे अपना वेरिएबल नेम इनपुट मैसेज। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने हाउ आर यू लिखा है, तो इसने रिस्पांस देने के बाद भी इनपुट में, इनपुट बॉक्स में हाउ आर यू लिखा दिख रहा है हमें। ठीक है, देन हम यहाँ पे अब करेंगे कंट्रोल एस, और इसी मैसेज को फिर से एंटर कर देंगे। As an AI language model, I don't have feelings or emotions in the way humans do, but I'm functioning properly and ready to assist you with any questions or tasks you have. How can I help you today? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने एंटर किया और इसने चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स किया, फिर हमारा एंटर योर क्यूरी वाला बॉक्स जो है वो खाली हो चुका है, यानी जो हमारा प्रीवियस चैट रिस्पॉन्स था जो यूजर द्वारा इनपुट किया गया था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।